सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइस, आज हम खेल रहे हैं आर्क जेनेसिस। और आर्क जेनेसिस के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे जो है भाई स्केलेटन वाला ये शार्क जैसे दिखने वाला जो डायनो है वो कर लिया था टेम। और मैंने पिछले एपिसोड में आपसे ये भी बोला था कि आज के एपिसोड में हम टेम करने वाले गीगा बोल रहा हूँ। मैंने पूरी वीडियो देखी मेरी पिछली वाली, मेरे को पता चला मैं मूसा की जगह हमेशा उसको गीगा बोल रहा था, तो सॉरी उसके लिए। आज हम टेम वाले मूसा स्वारस, जिसको कि आप पानी का गीगा भी बोल सकते हो, काफी ओपी डायनो है ये। और मैंने सर्वर की सेटिंग जो 5x थी वो 1x कर दी है, बिकॉज आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी उस गीगा नहीं सॉरी उस क्या भाई नाम भूल गया भाई वो देल हाँ वो जो भी है उसको टेम मूसा को टेम करने के लिए। यस मूसा को टेम करने के लिए। तो आज हम टेम करने वाले मूसा सॉरस को। एंड गाइज, उससे पहले हमारा जो यहाँ पे ये शार्क स्केलेटन वाला उसको नाम दे देता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे एंड ओपी नाम बंदर ने नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया मेरे को, तो ये फटाफट से मैं दे देता हूँ उनको। भाई ये भाई 4 घंटे हो गया भाई नीचे क्यों नहीं उतर रहा। फेंक रहे इसको नीचे फेंक वहाँ के, चलो फटाफट से इसको नामकरण दे देते को। तो गाइज, यहाँ पे जो हमारा ये भाई शार्क स्केलेटन वाला शार्क भाई खतरनाक वाला जो चमक रहा है, इसको जो एक अच्छा नाम बताया हुआ है वो नाम है एक्चुअली में आयरन टूथ। और ये आयरन टूथ नाम हमको यहाँ पे बताया गेमर गुरु ने, तो गेमर गुरु थैंक यू इतना अच्छा नाम बताने के लिए एंड शाउट आउट टू यू। तो यहाँ पे हम फटाफट इसको नाम दे देते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आयरन टूथ। लेकिन मैं सोच रहा था आयरन टूथ को लेके चले जाओ, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अपन चले जाएंगे भाई एक्वाटिक हल्क को लेके, ठीक है, क्योंकि पिछला वाला बैसिलोसॉरस सबको पता ही होगा कि हमारा वहीं पे रह गया था, तो उसको मैं लेके आया नहीं एक्चुअली में अभी तक, ठीक है। तो मैं इसको लेके जाने वाला हूँ एंड चलिए लेट्स गो। ओके, कहाँ पे अपना दिखता है देखता हूँ, मैं उसी एरिया में जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे अपना एक्वाटिक हल्क भी पड़ा हुआ है, तो उसको क्रायो करके साथ में ही ले लूँगा। तो निकल लेते फटाक से। और मैंने सारे डायनोज जो थे वाइल्ड वाले वो डिस्ट्रॉय कर दिए, तो उनको स्पॉन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखते वहाँ पे हमारे अभी तक है कि नहीं मूसा सॉर, या फिर टाइम लगेगा मे भी थोड़ा सा स्पॉन होने के लिए, उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आई थिंक। चलो भाई, यहाँ पे भाई टोर्नाडो आ चुका है खतरनाक वाला, लेकिन अभी टोर्नाडो के नीचे से उड़ेंगे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, मैंने स्कूबा बनाया था ना इसके लिए, यस मैंने इसके लिए स्कूबा बनाया था एक्चुअली, मैं वो पहन लेता हूँ, क्लियर दिखेगा ना। यस काफ़ी क्लियर दिख रहा है। ओके, आई थिंक मैं इस तरफ गया था ना पानी के नीचे से, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, मैं भी इसी तरफ गया था। वो ये रहा वो बॉस फाइट वाला, क्या मैं इसमें ये को कोई अगर डायनो आजू बाजू नहीं दिख रहा है तो क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ क्या उतर के? ओए हाँ भाई, गाइज मैं गुफा के अंदर आ गया। एक कमी ने दिया कपड़े पहन रहे है ये डोंडू, जस्ट चिल रहे है। ए, व्हाट द, वो एक्चुअली में डायरेक्टली आ सकते यहां से अंदर बाहर, मजाक कर रहे हो पांडे जी। ओ भाई, अरे कोई पेटी ना बना दे बस यहाँ पे। ओ ये क्या है, इसके अंदर पानी के अंदर पानी, व्हाट द। एक मिनट, ये एक्सप्लोर करेंगे रे, ये एक्सप्लोर करेंगे अपन। रुको, ये लगा चल ढूंढो। ये पानी गंदला है क्या, आई दिखाई दे रही है गुफा। आप ये यहाँ पे एसी तो नहीं दे सकते गुफा, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसे ही ये गुफा देंगे कोई भी। क्या एसी दी हुई है गुफा ये? अबे क्यों इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है मेरे को। हाँ स्ट्रेंज, ये कुछ अलग ही है, पता नहीं मैं भी ऊपर की तरफ कुछ है आई थिंक, देखते हैं ब्लड स्टॉकर लेके आ जाएंगे कभी यहाँ पे। चलो फिलहाल तो भाई मूसा सॉर को टेम करने के लिए निकल लेते हैं। काफी अच्छा ही है, ऐसी काफी ज्यादा गुफाएं है वो एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ठीक है देखते क्या है भाई। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई इसके अंदर, वाके भाई खतरनाक यार, खतरनाक, अच्छी बात है। चलो हमको देखने का मौका तो मिला, निकल 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 निकल, घूम जा चल। अभी ये नहीं थी वो, हमको थोड़ा सा और आगे की तरफ जाना पड़ेगा एक्सप्लोर करने के लिए।
मेरे को खुद पता नहीं कि हम कहाँ पे कल मूसा सौर ढूंढ रहे थे, नहीं मिले थे हमको, ढूंढ नहीं रहे थे, मिले थे मुझे, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी वो लोकेशन जरा सी। 5 minutes later शायद मेरे को लग रहा है यहाँ पे ही थे, ठीक है, क्योंकि एरिया थोड़ा, अरे भाई इसका स्टैमिना, वाह वाह पांडे जी, इसके पास ज़्यादा स्टैमिना ही नहीं है, ऐसा ही होता है भाई लो लेवल का, भाई लेके आ जाओ तो। ओके कोई ना, शायद यहीं पे मैं ढूंढ रहा था उनको, क्योंकि जगह थोड़ी सी जाने पे जानी लग रही है। वो यहाँ पे एक और गुफा है या वही गुफा है जिसके अंदर मैं जा चुका हूँ, ये थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। ये थोड़ी सी एक्चुअली में अलग सी दिखाई दे रही है ना गुफा। हाँ मैं भी इनको एक्सप्लोर बाद में करेंगे, फिलहाल जिस काम के लिए आए वो कर ले तेरे को। चलो शायद यही पे था कहीं पे, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ फटाफट एक मूसासौर को एंड देखते हैं। अभी 1x किया है तो भाई जहाँ पे 5-6 मूसासौर दिख रहे थे हमको कल, वहाँ पे सिर्फ एक ही मिलेगा हमको, ज़्यादा मिलेंगे नहीं सर्वर के सेटिंग के हिसाब से, तो फिर भी मिल जाना चाहिए था अब तक, देखता हूँ। चलो और आगे चले जाएंगे अपन डीप में, शायद मैं इसी तरफ था क्योंकि जाना पहचाना एरिया लग रहा है मेरे को थोड़ा सा हल्का हल्का। 2 hours later तो गाइज यहाँ पे जो है हमको भाई 2 मूसासौर आप देख सकते हो यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। एक वो रहा वहाँ पे हल्की सी उसकी पूंछ दिखाई दे रही है, एंड ये यहाँ पे है एक्चुअली में भाई नजदीक जाने में भाई बहुत गंदा अटैक कर रही है, देख रहे हो ये मूसासौर जो है ये ओके 20 लेवल का है, ठीक है। और ये इनमें से एक मूसासौर जो था ना वो थोड़ा सा हाई लेवल का था शायद, ये वो यस ये देख रहे हो एक मूसासौर फीमेल 135 लेवल की यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। तो इसको मेरे को ट्रैप करना पड़ेगा, और ट्रैप करने के लिए मैं यहीं पे नीचे की तरफ एक ट्रैप बना लेता हूँ बेमत गेट से, फटाफट रुको फटाफट से यहीं पे ट्रैप बना लेता हूँ क्योंकि ग्लिच है यहाँ पे। ओके नहीं भाई ग्लिच से कोई लेना देना नहीं है, मूसासौर गायब हो गया क्या वहाँ से। ओके रुको फटाक से यहाँ पे ट्रैप बना लेता हूँ एंड उसको ट्रैप के अंदर भाई फंसा दूंगा, रुको बस यहाँ पे ट्रैप बन जाए। वाह नो फ्रेम ग्राउंड और स्नैप पॉइंट, व्हाट द हेल। ओके ठीक है, ओके ओके मेरे को हार्ट अटैक आ गया भाई एक टाइम के लिए, मैं बोला ये क्या बात हुई भाई, यार मिशन ही रहा क्यों शो कर रहा है, इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा कि मैं ठीक से ट्रैप लगा पा रहा हूँ या नहीं मैं भी। ओके ठीक है ना, 5 गेट्स काफ़ी रहेंगे ना। अभी यार मूसासौर के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही छोटे नहीं लग रहे, 10 लगा देता हूँ उनको, बस मूसासौर को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा मेरे को मास्त है बेकी। अभी यार लगा 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 लगा। ओके नाइस लग जा, नाइस लग जा, नाइस लगा 2 सार, नाइस नाइस वाके कम ऑन कम ऑन। अच्छा है भाई आज कोई ज़्यादा जेलीफिश विलीफिश नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई एंजल। ओके एक मिनट लफड़ी भाई लग गए, ए लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए बिना बात के लग गए, समझ गए निकल। बे मूसा कहाँ से आ गया यहाँ पे, हेलो ये कितने लेवल का है, 135। अबे ये तो पीछे की तरफ था, शिट। ओके मैं बैसिलोसॉरस को एक्चुअली मैं उसके अंदर डायरेक्टली ड्रैग करके डाल सकता हूँ क्या लाइक ऐसे, लेकिन ये बैसिलो मर जाएगा अपना गाइस, अपना बैसिलो मर जाएगा इस मूसा के चक्कर में, ठीक है इस मूसा के चक्कर में एक्चुअली में हमारा बैसिलो मर जाएगा, दिक्कत यही है। ये पर एक और काम कर सकता हूँ, रुक जाओ अगर वो वहाँ पे अटका हुआ है एंड वो मेरे पीछे अगर ट्रैप के अंदर नहीं आ सकता है तो बेटा मेरे बेटे पापा से पंगा नहीं लेते, रुक जा। अगर ऐसा ही सीन है भाई मूसा तो ये ले भाई, तेरे को मैं ऐसे ही करूँगा, वैसे लो जरा फॉलो कर पहले, पहली फुर्सत में फॉलो कर, वाह नहीं कर रहा। अबे जाल चाली फॉलो करने, ये फॉलो कर, नाइस भाई। मैं पॉकेट में ट्रैप क्यों बनाता हूँ यार हर बार, मेरे को खुद समझ में नहीं आता मैं ट्रैप क्यों बनाता हूँ, नहीं जबकि हर बार तुमको मेरे ट्रैप से बाहर ही नॉकआउट होना है मूसासौर, तो वैसे बता देते हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हम ट्रैक बनाने का भाई झंझट नहीं लेते। वहाँ पे एक मेल भी घूम रहा है ना वो 20 लेवल का आई थिंक, रुक जाओ उसको भी सुमड़ी में ले लेते, मूसा नहीं मार पाएगा, मूसा मारने का नहीं तो अच्छा है ना, आ जा। ये कितना अच्छा है रे यार, मूसा मार भी नहीं रहा, पहले अटैक कर लिया था मेरे ऊपर जब मैं ट्रैप बना रहा था,
लेकिन उसके बाद भाई बोल रहे नहीं भाई ऐसे ट्रैप भी मत बनाया कर यार, मैं तो ऐसे टाइम होने के लिए रेडी हूँ, क्या को ट्रैप बना के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है रे। पूजा पूजा भाई, अरे भाई हो जानो जल्दी से, सिक्स पॉट दो एरो और ये लो, अब पट्टे से लगा नहीं लग, ओ नहीं हो गया, नाइस काफ़ी बढ़िया, इधर इधर आप ऐसे लो। भाई सब मुसाजर भाई मैं ट्रैप क्यों बना दिया फिर। ओके प्राइम मेरे पास पड़े हुए, स्प्लिट हाफ कर देता हूँ, यहाँ पे डाल दे, टाइम बहुत लगेगा। मुसाजर की यही दिक्कत है कि उनको टाइम बहुत लगता है, एक मिनट लग जाओ। इसका टॉर्पर उतर रहा है, हेलो भाई मजाक कर रहा है क्या, इतने तेजी से किसका टॉर्पर उतरता है, फूड कितना तेजी से उतर रहा है। ओके फूड बार भी ठीक ठाक ही उतर रहा है, लेकिन टॉर्पर के हिसाब से मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से टॉर्पर उतर रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि इसके लगने वाले। रुक जाओ, बेरीज बेरीज घटा हार्वेस्ट नहीं कर सकते ना हम, एक काम कर सकता हूँ मैं, मेरे को ब्लैकबेरी चाहिए बहुत जल्दी से, रुको। ओके रुक जाओ, टेलीपोर्ट रिनेम, क्या करूँ, मूसा मौसा लग दिया, चलो मौसा मौसा आ जा, वैसे लो यहीं पर, ओ ये हो गया एक्चुअली में, व्हाट द 97 हो गया, मेरे को लगा भाई वुड बिट जाएगा ये, जिस हिसाब से इसका टॉर्पर उतर रहा था। ओके ठीक है, अगर इतना ही गाइस स्कैम देख रहे हो, मेरे को लगा मैंने 135 लेवल के मूसा सॉरस को टेम किया, दिख तो 135 लेवल का ही रहा था ठीक है, जब मैंने वहां पे ढूंढा था, लेकिन अभी अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं बेटा 135 लेवल का नहीं है वो 20 लेवल का है। ए पांडे जी तुम मजाक कर रहे हो यार, भैंस क्या क्या यार, ऐसे कैसे, ऊपर से मेरा स्कूबा टैंक भी टूट गया। सैड लाइफ गाइस, सैड लाइफ क्या ही बोल सकते हैं यार। चलो इसी को क्रायो करके अपन लेके जाएंगे, एंड एक काम कर लेता हूँ, तब तक मैं बेच से ना मेरा स्कूबा टैंक ये करके आता हूँ, जब तक यहाँ पे टेम भी हो जाएगा, एंड उस 135 लेवल ये लो टेम भी हो गया, नाइस। अनफॉलो को अनफॉलो कर रहे पहली फुर्सत में, अनफॉलो कर, नाइस। चलो मेरा स्कूबा टैंक टूट गया है, मेरे को वो चाहिए होगा, इसी सेम इसी टेक्निक से अपन जो सेकंड मूसा है ना 135 लेवल का, तो मेल एंड फीमेल अपने पास हो जाएंगे, एंड देखते फिर अपन का काम भी बन जाएगा, इनका ब्रीडिंग ब्रीडिंग अगर ब्रीडिंग हो सकता है शायद ना, तो इनके बेबी निकाल देंगे हम। आ जाओ रुको, मैं स्कूबा टैंक बना के लाता हूँ फट से। तू दूर रे भाई, तू भी आ जाएगा टेलीपोर्टर के चक्कर में, डायरेक्टली भाई पानी के ऊपर जमीन पे आ जाएगा ये, ठीक है मैं मार देता हूँ टेलीपोर्ट एंड वो बना के लाता हूँ, रुको। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपन जो है भाई अपना दूसरा रिपेयर करके लेके आ चुके हैं अपना भाई स्कूबा टैंक, रुको ये पहनने दो। ओके लेट्स गो, अभी जाते भाई 135 लेवल के मूसा सॉर को टेम करने के लिए, जो कि यहाँ पे था कहीं पे नीचे, रुको मेरे पास ट्रैंक कितने बचे हुए हैं, कितने भाई, ओके 289 है, काम बन जाएगा ये रहा। चलो भाई इसको भी ऐसे कर लेते, वैसे भी अपन को कुछ है तो नहीं भाई, ट्रैप का यूज तो नहीं है, लेकिन देख लेता हूँ अगर ट्रैप में हो सका हो ना, ट्रैप तो देख लेता हूँ, उनको ट्रैप हो गया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उसका जो टॉर्पर होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका ही भाई 5K टॉर्पर था ऑलमोस्ट, तो भाई ये 135 लेवल है तो इसका टॉर्पर तो भाई क्या ही बोले, बस ये दिखना चाहिए कहाँ पे गया अभी, जस्ट ये रहा नाइस, इधर आ मूसा, नीचा 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 भाई, इतना गंदा डैमेज, अबे साला मेरा ट्रैप किधर है, हेलो भाई, ओ है मुझा को ट्रैप की जरूरत नहीं है इतने जल्दी, ये रहा ट्रैप, वाह भाई तेरे को घूमने में चार मतलब क्या, इतना टाइम कैसे लग रहा है भाई, इसको तो मैं ऐसे ही कर दूँ, रुक जाओ फंस गया वहाँ पे, फंसी गयो, रुक जाओ 27K टॉर्पर है, मजाक कर रहेगा पांडे जी, इतना टॉर्पर किसका होता है भाई, हेलो हेलो मूसा, ये एक काम कर लेता हूँ, इसको फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर गलती से कोई जेली विली फिश आ गई ना मेरी बजा के रख देगी, दिखाई तो नहीं दे रही है, ये मूसा का क्या सीन है भाई, ऐसे क्यों अटक जाते हैं हमेशा, मेरा ट्रैप तो वेस्ट हो गया इस मूसा के चक्कर में। ओ शिट ड्यूड, भाई 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 क्या ही मारा भाई, दो फटकों में पेटी, ये खतरनाक मारा
मेरे को लगा नहीं था मूसा इतना डेंजर डैमेज देता है। पता तो भाई पानी का घीघा है, इसे तो पता था, लेकिन इतना भी डेंजर। वाह, दैट्स द ब्यूटी ऑफ जेनेसिस सिमुलेशन। क्या ब्यूटी बे, मार दिया मूसा ने भी पहली फुर्सत में। मूसा पे चल। ओके, मेरा बैसिलो जिंदा रहेगा आई थिंक। बैसिलो को तो मार नहीं पाएगा, आराम से बचा लूंगा उसको। चलो, काफी था, इस तरफ था ना। यस यस, लेट्स गो। इसको ट्रैप ही करना चाहिए, रुको, क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक डैमेज दे रहा है मेरे हिसाब से। जल्दी चल भाई, मर जाएगा अपना बैसिलो मर जाएगा भाई। काफी था, शायद मैं उस तरफ। व्हाट द, देखा गाइस ऐसा होता है अगर आप, मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं मारता ना, वो अभी तक जिंदा होता। जस्ट मैंने यहाँ पे बिकॉज टेलीपोर्ट मारा, मेरा एक्वाटिक हल्क मर गया। क्या ही बोले, अपने बैसिलो के एल लग गए सिंपली। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैसिलो को आप एक अगर एक प्राइम मीट खिला दोगे वो नॉर्मली टेम हो जाएगा। मूसा ऐसा नहीं होता है, मूसा के लिए भाई बहुत ज़्यादा पापड़ पेलने पड़ते हैं। तो बैसिलो तो अपन टेम कर लेंगे बड़े आराम से। अच्छा, ट्रैप में है नीचे। अच्छा, ट्रैप के अंदर। नाइस। बाय बाय मूसा, तेरे भाई की अखिया कारे है, कारे बहुत तेज हो रहा था बे, बहुत तेज हो रहा था सारे। मेरे को मेरे बैसिलो को मारता है बे, साले मूसा के बच्चे। पर फंस गया ना ट्रैप के अंदर, बड़ी सी चिपकल ही लग रहा है रे ये तो ट्रैप के अंदर। ये ले साले, मेरे छोटे से नन्हे से मासूम से बैसिलो सौरस को कैसे मारा तूने। रुक जा, ये ले हो जा भाई। 27 के भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टॉर्पर है। और मेरे हिसाब से ये 135 है ना, तो 160 और 70 के पास पहुंच जाएगा आराम से। प्राइम मीट खिला दो तो उसको भाई। हो जा मारते रहो भाई, मारते रहो बस, और क्या ही करे। 5 के टॉर्पर हो चुका है, 27 के काफ़ी ज़्यादा भाई, बहुत तो टूटने नहीं वाली। ओके, फटाफट हो जा भाई नॉक। 2 hours later. Guys, अभी तक इसको भाई 10K टॉर पर चढ़ चुका है, और भाई मार मार के हमारे भाई हाथ दुखने लग गए। लेकिन भाई साहब इनको कोई टॉर पर चढ़ ही नहीं रहा ज़्यादा। मेरे को इसके हेल्थ की थोड़ी सी फिक्र हो रही है, बिकॉज आप देख सकते हो इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, 30-40% डाउन हो चुकी है अभी। एंड उसका टॉर पर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं इसको मारते रहूँ और ये मर जाए और इसको टॉर पर भी ना चढ़े। देखो अभी 50% टॉर्पर चढ़ेगा और इसकी आई थिंक 50% हेल्थ भी कम हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा हेड पे मारना चाहता हूँ, क्योंकि हेड पे मारोगे तो टॉर्पर शायद ज़्यादा चढ़ता है ऐसे बंदे बोलते हैं। देखते हैं, रुको। ओके, देख रहे हो 50% हेल्थ डाउन और टॉर्पर भी 50%। देखते हैं अभी क्या होता है। चलो अपन मारने का काम करते हैं बस। 6.5 hours later. ओके गाइज, आप देख सकते हो इसका जो, मेरे को लग रहा है नॉक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बिकॉज अभी 25 के टॉर्पर चढ़ चुका है, 26 के एक्चुअली में, और इसके पास अभी तक 2.8 के हेल्थ बची हुई है, तो ये आराम से हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा डर तो लगा था कि भाई नॉक नहीं होगा, लेकिन हो गया गाइज, काफ़ी बढ़िया। इसमें काच करके प्राइम मीट डाल देता हूँ, एड काच करके इसको टेम कर लेते हैं। रुको, जिसने भाई मेरा आर्मर बिरमर उड़ा दिया था। क्या ही लग रहा है भाई, और ये रात में क्या ही चमक रहा है भाई नीचे, खतरनाक है यार ये मूसासॉरस काफ़ी। अरे रुको, यहाँ पे ग्लिच भी है, तब तक वो ग्लिच फिक्स कर लेता हूँ। ओके, थोड़े से एक्सोजॉन्स भी मिल जाएंगे। अच्छा भाई, ओके नाइस, एक्सलेंट वर्क। ओके चलो, इसको आराम से टेम होने दो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, ओके फुटबार, ओके काफ़ी कम होना बाकी है अभी। अरे इसका फूड काफ़ी जल्दी टेम ये होता है, वैसे ख़त्म होता है। अभी एक बार खा भी लेगा, ये देखो खा जा भाई। 50 कम होने पे एक बार खाता है आई थिंक। यस, ओके खा ले 25% होगा शायद, एक बार खाने से 25% होगा एग्जैक्ट। ये देखो, नहीं 24% फाय हो चुका है। ओके ठीक है, होने दो खाने दो बेचारे को, मास्क तभी के खाने दो। चलो अपन तब तक वेट कर लेते हैं। बस मेरे पास ऑक्सीजन टैंक, हाँ ऑक्सीजन टैंक है, हो जाएगा काम, लेट्स गो। वाके गाइस, 48% यहाँ पे हो चुका है। वाके हल्लो हल्लो करके खा रहा है बेचारा हमारा मूसा सॉर। लगता है पाँच बोले ना, लगता है 6 खाएगा ये, देखते चलो। वाह जा रे बाबा, जल्दी। जितना बड़ा हमने ट्रैप बनाया था ना गाइस, वो इसका कि उससे भी बड़ा है। इसकी मुंडी ट्रैप के बाहर जा रही है,
हेड इसकी पूछ जो है ना वो एकदम, ये देखो ट्रैप के एज पे टच हो रही है भाई, कितना बड़ा है यार ये भाई साहब, खतरनाक। 2000 years later. तो गाइस हमारा जो मूसा स्वारस है वो 97.8% ठीक है हो चुका है टेम, एंड जस्ट अभी कुछ ही क्षणों में ये हमारा मूसा स्वर यहाँ पे होने वाला है टेम, ठीक है। कितना बचा है अभी तक? ओके 25% और फूड इसका कम होना बचा है, एंड ये काच करके टेम हो जाएगा। रुको क्राइपॉड निकाल लेता हूँ हाथ में, वैसे क्राइपॉड करेंगे और वैसे बेस पे लेके जाएंगे, इसका सैडल बिडल बनाते और इसका थोड़ा डैमेज चेक करते हैं। मेरे को तो 250 का डैमेज दे रहा था, ठीक है अभी देखता हूँ टेम होने के बाद इसका डैमेज घटता है या बढ़ता है, और 10 के हेल्थ है तो देखते, रुको हेल्थ घटती है या बढ़ती है या और डैमेज का क्या सीन है। इसको तो बॉस फाइट में लेके जाना बनता ही है भाई, क्योंकि ये भाई क्या ही ओपी डैमेज दे रहा है, इतना डैमेज तो मेरे को किसी ने दिया नहीं है अभी तक इस जेनेसिस मैप में। ओके हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया मेरे बात ची हो गया। अरे भाई अच्छा ये प्राइमिट उठा लूँ। ओके नाइस, कितनी हेल्थ है भाई की? 14K हेल्थ हो चुके हैं। ओके हेल्थ बढ़ चुकी है, एंड 202 लेवल का मूसासोर हो चुका है ये। ओपी काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। अबे ले भाई उठा ले रे बाबा उठा ले इसको, जल्दी से जल्दी क्राइव कर। नाइस काफ़ी बढ़िया, चलो कस करके टेलीपोर्ट मार देते सी पे। ओके लेट्स गो, एंड इसका सैडल बना के भाई इसके जलवे देख ले तेरे को, ये निकाल दे यार, नंगू पुंगू नहीं रहने का रे बाबा, ये पहन ले। ओ भाई ये तोड़ दिया क्या भाई, कच्चे में घूम रहा हूँ मैं तो, कोई ना चलो कभी कभी घूमना पड़ता है इसे। ओके मूसा सॉर, ओके रुक जाओ इसका सैडल बना लेता हूँ। सपलिंग क्या है रे मूसा? ओके मूसा सॉर सैडल क्या चाहिए? सिलिका पल तो है, मेटल तो अपने पास पड़ा हुआ है, सीमेंटिंग पेस देखना पड़ेगा। रुक जाओ वो अंदर वाले में होगा, मैं भी उसमें बना लेता हूँ, और फटाफट सैडल बना लेते उनका भाई, टेस्ट राइड कर लेते। वाके तो यहाँ पे बना लेते हैं मूसा सॉर का सैडल, लेट्स गो मां प्रियंत भाई। हमेशा यहाँ पे फाइबर ही कम पड़ता है भाई, रुक जाओ अभी ऊपर कहाँ से जाओ अर्जी, तो भाई हमेशा मेरा ऊपर ही होता है। रुको ब्लड स्टॉकर लेके ऊपर चलते हैं, एंड वहाँ से फाइबर निकाल के लाते हैं, हमेशा क्या भाई दिक्कत ही यार। एक मेरे को गिगान तो, अच्छा गिगान तो है ना अपने पास यार, उसको लेके आना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा फाइबर इकट्ठा करते। रुक जाओ उठा ले रे बाबा, कितना चाहिए था? 500 आई थिंक, 500 चाहिए था ना मे बी। ओके रुको 280, 230, 250, 300, ओके ओके 400, जल्दी उठा ले रही है 500, ओके 500, ओके चलो 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 एक बना लेते सैडल कस करके। एंड भाई अपना हाई लेवल का जो गीगा है ना, गीगा ही बोल रहा हूँ मूसा है ना, उसको भाई चला के देख लेते भाई जलवे हमारे मूसा सॉरस के, लेट्स गो। और मेरे को भी लेवल अप आ चुका है पता नहीं क्यों, अच्छा मेरे को नहीं एक्चुअली मैं आरजी को लेवल अप आया है। ओके ये ले भाई फाइबर, ये ले फाइबर फाइबर ले फाइबर ले ये ले फाइबर मेरे भाई, एंड यहाँ पे बन जा मूसा का सैडल। ओके एक और बन सकता है क्या? वापस से फाइबर चाहिए, ओके 500 फाइबर चाहिए बस, दूसरा भी बन सकता है लेकिन फाइबर चाहिए, ठीक है वो बना लेंगे बाद में अपन आराम से। कट करके मूसा का सैडल यहाँ पे ले ले, एंड आई थिंक यही है ना हाई लेवल का हमारा मूसा। एक मिनट इसको मैं पानी में डालूंगा तो यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये क्या लगता है कितना बड़ा है? ओ भाई क्या ही था भाई, भाई ये तो मेरे ओशन प्लेटफॉर्म से भी बड़ा है बे, व्हाट द भाई, इतना बड़ा कोई हो सकता है क्या? मूसा तो फिर ओशन भाई ओशन प्लेटफॉर्म से भी बड़ा निकला भाई। ओके ओके डैमेज बढ़ा लूँ, 6 लेवल आ चुकी है, मैक्सिमम डैमेज भी डाल देंगे, 208 लेवल का हो चुका है। वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा है मूसा की भाई, मेरे को लगा था 500 डैमेज, मजाक कर रहा है पांडे जी भाई, इतना इतना डैमेज अभी जस्ट अभी तो कुछ बढ़ाया भी नहीं है। ये बॉस फाइट में तबाही मचा देगा, ये बॉस फाइट में तबाही मचा देगा, अगर इसका अभी 500 डैमेज है तो आगे जाके तो ओपी डैमेज होने वाला है इसका, ठीक है और डैमेज बढ़ा लेता हूँ। स्टैमिना भी काफ़ी खतरनाक है, जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है, कोई शार्क ब्रिक नहीं दिख रही यार जब से मैंने डिस्ट्रॉय वाइल्ड एनिमल्स कर दिया ना, ताकि अपना जो 5x की जगह 1x हो जाए, तब से मेरे को कोई भी शार्क ब्रिक दिखाई नहीं दे रहा, बस ये फिशेज दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू। कहाँ पे वो शार्क्स? आजकल शार्क्स भाई, शार्क को भी ढूंढना पड़ रहा है मारने के लिए। हेलो सच में क्या वहाँ पे ग्लिच है एक? ओए रुक जाओ मैं चश्मा पहन लेता हूँ, चश्मा और स्कूबा टैंक पहन लेता हूँ, पता चला भाई दम घुट के मर गया मैं। ओके नाइस चल आ जा भाई, जब कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई, फिश ओनली भाई, फिश ओनली, ये क्या बात है। वो अच्छा है मूसासोर टेम करने के लिए अपन को कोई दिक्कत नहीं हुई,
लेकिन उसके बाद तो दिखो भाई, अभी मेरे पास मूसा सर आ चुका है, अभी तो तबाही मचाने हमको। हेलो हेलो, आ जाओ सर, सर सर कोई दिख क्यों नहीं रहा सर। हेल्थ में डाल देता हूँ, इसके हेल्थ में आई थिंक 25,000 या 30,000 तक लेके जाऊँगा। ओके एंड यहाँ पे मेरे को कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। डैमेज आप देख सकते हो, मैंने डैमेज इसका कर लिया है 687, ठीक है। और अभी तक भाई बहुत सारे लेवल अप आना इसको बाकी है भाई साहब। काफ़ी सही है वैसे, काफ़ी सही है, छोटे फिश को मारने का भाई काम कर रहे हैं हम, और क्या ही कर सकते हैं अभी, छोटे फिश ही मारने का काम कर रहे हैं। ये लो मर जाओ भाई, कुछ नहीं भाई, ये लो छोटे फिश को ही मारो, क्योंकि बड़ा कोई मछली मेरे को दिखाई दे रही है। पूरे समंदर भाई खाली लग रहा है मेरे को, पूरा समंदर ही खाली लग रहा है। शायद इनको स्पॉन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो अपन ने भाई दो दो मूसा डैम कर लिए गाइस आज के इस एपिसोड में। और गाइस एक काम कर लेते फिर आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद, तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद यानी के चैनल की लिंक मिल जाएगी, जो हमारे साथ बहुत सारे आर्क मॉडेड सर्वर खेलती है और सारे बहुत सारे सर्वाइवल गेम खेलती है। तो जाइए उनके चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को, कर दीजिए यार, नीचे लाल बटन है छोटू चा मोटू चा, उसको दबा दीजिए। दबा के देखिए भाई, वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है, ग्रीन नहीं सॉरी ग्रे हो जाता है, तो यार दबा के देखो अच्छा लगता है। तो आपसे मिलते हैं गाइज आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू लेटर। Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook